कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। यह जज्बा और यह जुनून केवल भारतीय सैनिकों में मिलता है, सैनिकों में मिलता है जो अपनी जिंदगी को हंसते हंसते कौम पर लुटा देते हैं, कौम के ऊपर, देश के ऊपर कुर्बान कर देते हैं। वे सैनिक ही हैं जिनके बदौलत हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, सुकून से यात्रा कर पाते हैं और अपने जिंदगी को हंसी खुशी से व्यतीत कर पाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय बेलपड़ा भलंगीर के ये छोटे छोटे बच्चे सैनिकों के इसी जज्बे को इस वीडियो में प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। कदम मिलते हैं, हम चलते हैं, जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। आपसे आग्रह है कि वीडियो पर आखिर तक बने रहें तथा अपना सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब जो भी हो, बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के। वीडियो की प्रस्तुति यदि आपके दिल को छू नहीं पाई तो वीडियो को तैयार करना बेकार समझा जाएगा। और हाँ, वीडियो के बारे में एक खास बात कि इस वीडियो में जो एक्शन निर्धारित किया गया है, ये 7 और 8 क्लास के बच्चों ने खुद अपना एक्शन, अपना डायलॉग खुद ब खुद निर्धारित किया है। आइए वीडियो को आगे देखते हैं। अब जो भी हो, शोला बन के पत्थर है पिघलाना। अब जो भी हो, बादल बन के पर्वत पर है छाना। सैनिकों की जिंदगी कठिनाइयों से भरी होती है, जैसे आम जनता की कठिनाइयों को वो अपने कंधे पर लेकर के हंसते हंसते अपने जिंदगी को व्यतीत करने का बीड़ा उठाए होते हैं। किसी भी देश के सच्चे सपूत उस देश के सैनिक ही होते हैं, जो पैदा इसलिए होते हैं कि वो देश पर कुर्बान हो सकें, देश पर मर मिट सकें। जब देश की पूरी आबादी चैन की तलाश में जब किसी और एरिया की तरफ भागती है, क्योंकि वह एरिया, वह क्षेत्र अशांति ग्रसित होता है, संदेश आगे
हमारे वीर सैनिक उस अशांत क्षेत्र में, सुविधा विहीन क्षेत्र में भेजे जाते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां से पूरी की पूरी आबादी पलायन करती है, हमारे सैनिक उस उन क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए पहुंचते हैं ताकि वो आम जनता को मदद कर सकें। जब देश का कोई भी क्षेत्र आपदा ग्रस्त होता है और वहां से पूरी की पूरी आबादी भागने की फिराक में होती है, तो उन क्षेत्रों में हमारे सैनिकों का आगमन होता है, इसलिए कि वे देवदूत बन करके बाकी लोगों को मदद कर सकें। देश की सीमाएं ही नहीं, देश के अंदर भी अशांति की स्थिति में हमारे सैनिक कमर कस करके खड़े हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर उठाते हैं, बखूबी उठाते हैं। और इसलिए भारत माता के इन सपूतों को सलाम, नमन, अभिनंदन। एक सैनिक पैदा इसलिए होता है कि वह देश पर कुर्बान हो सके। सैनिक इसलिए पैदा होता है कि वह देश पर मर मिट सके। इसीलिए तो कहा गया है जय जवान। और दूसरे जो देश की जनता का पेट भरते हैं वो है किसान, और दोनों को मिला दिया तो जय जवान जय किसान। देश की सीमाओं की रखवाली करते हुए मां भारती के वीर सपूत हंसते हंसते गोलियों की बौछार अपने सीने पर झेल लेते हैं। आतंकवादियों के गोलियों के सामने अपनी फौलादी सीना को चौड़ा कर खड़ा हो जाते हैं और हंसते हंसते मां भारती पर शहीद हो जाते हैं। हंसते हंसते हर उस नापाक इंसान के इरादे को चकनाचूर कर देते हैं जो देश के सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, देश के हंसी खुशी और आनंद के साथ छेड़छाड़ करते हैं। सुदूर वादियों में, सुविधा विहीन क्षेत्रों में जीवन व्यतीत करते हैं जैसे कोई सन्यासी। हाँ, हम सैनिक किसी सन्यासी से कम नहीं, वो सन्यासी हैं
वो सन्यास इसलिए हैं कि वो देश की सीमाओं का रक्षा कर सके। आइए उन वीर सपूतों को नमन करें, आओ मिलकर बोलें जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख लें। चैनल पर यदि आप